अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई लेडी स्कूटर चला रही होती है, एक्टिवा चला रही होती है, या कोई भी व्हीकल चला रही होती है, तो हम लोग डर जाते हैं। जेंट्स जो हैं वो डर जाते हैं, और जिन्होंने न्यू व्हीकल परचेज़ किए होते हैं वो तो बहुत डर डर के चलाते हैं इनसे। वो तो काफ़ी दूर तक ही रहते हैं इनसे कि ये मारेगी, ठोकेगी। और अगर इनसे एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर ठोक देती हैं, तो इनके वीडियोज़ भी आप लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हो, और नीचे टैगलाइन होती है कि पापा की परी। पर दोस्तों, किसी ने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? अब देखिए, एक लड़का जब 12-13 साल का होता है ना, तो घर से अपने पापा का स्कूटर लेके निकल जाता है, बताता भी नहीं। और जब उसके घर वालों को पता चलता है कि बेटा स्कूटर चला रहा है, वो रोकते भी नहीं है। पर जब एक बेटी बोलती है कि मैं पापा स्कूटर चला लूँ, तो ना बच्चे, तू भी बहुत छोटी है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये शब्द उसके कानों में घुस जाते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस का जो रूल है 18 साल का, आप सच सच बताना कौन इसको फॉलो करता है, कौन लड़का इसको फॉलो करता है? सबको पता है। अब जो लड़का 13 साल की उम्र में चला रहा है, वो 18 साल तक जाते जाते इतना ट्रेंड हो जाता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं रहता। पर जिस बच्ची को आपने रोक दिया ये कह के तेरे से नहीं होगा, उसने कब सीखा? 18 के बाद, शायद 19 में, कोई 20 में सीखती है, कोई 25 में सीखती है जाके। तो जाहिर सी बात है, उनका एक्सपीरियंस कम हो जाता है। और जब एक्सपीरियंस कम होता है, तो हम ही लोग उसको ड्राइविंग करने से भी रोकते हैं। अगर हाईवे पे गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी लड़का ही चलाएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता लड़की में, और आप लोग उसमें कॉन्फिडेंस आने ही नहीं देते। कभी बोला अपनी लड़की को, बेटी आज तू चलाना, जैसे भी चलाए तू चलाना, मैं हूँ तेरे साथ? पहले खुद की सोच को बदलिए, ये लड़कियाँ अपने आप बदल जाएंगी। बात सही लगी हो शेयर जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम है फॉलो जरूर।